हेलो दोस्तों, डिश न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो उन यूज़र्स के लिए है जो डीडी फ्री डिश का MPG4 बॉक्स यूज़ करते हैं, और अगर आप नए चैनल देखना चाहते हैं या कोई नई सेटिंग आई है उसको सेट करना चाहते हैं। जैसे कोई नए चैनल ऐड होता है तो उसके रिगार्डिंग हमें चैनल सेट करना होता है। तो किस प्रकार चैनल को सेट करेंगे तो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारे यहाँ पर कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है, सभी चैनल डिलीट किए हुए हैं। अगर हम यहाँ मेन्यू का बटन प्रेस करके टीवी चैनल लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा नो चैनल्स, अभी कोई भी चैनल अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्टिंग से हम शुरुआत करेंगे कि आप सभी चैनल्स की सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको सैटेलाइट लिस्ट नज़र आएगी इंस्टॉलेशन के अंदर। मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो मेन्यू के अंदर इंस्टॉलेशन जहां पर है उसी में आपको सैटेलाइट लिस्ट नज़र आ जाएगी, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैटेलाइट लिस्ट पर ओके करेंगे तो इस प्रकार आपको बहुत सारे सैटेलाइट नज़र आएंगे। तो आप इनमें से कोई भी सैटेलाइट ले सकते हैं डीडी फ्री डिश को चलाने के लिए, लेकिन एक सेटिंग सबसे पहले ज़रूरी है। मान लीजिए आप 91, जैसे कि यहाँ टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 91 चौथे नंबर पर है, यहाँ डीडी फ्री डिश के चैनल सेट करना चाहते हैं इस सैटेलाइट पर। तो सबसे पहले आप बैक करके एंटीना सेटिंग में आ जाइए। एंटीना सेटिंग में आपको इस प्रकार सेटिंग करनी होगी। यहाँ पर LNB फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देखनी होगी क्या लिखी है। सबसे पहले LNB फ्रीक्वेंसी आपको ये रखनी है 9750/10600, स्थानीय 50 और 10600, इस पर ओके कर देंगे। और यहाँ पर डायसेक्ट स्विच अगर आपने लगा रखा है तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में डायसेक्ट स्विच पोर्ट 1 में है तो मैं डीडी फ्री डिश को पोर्ट 1 सिलेक्ट कर लूँगा, और डायसेक्ट 1.1 कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अगर आपने कोई भी डायसेक्ट स्विच नहीं लगा रखा है तो आप यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद आपको सैटेलाइट को स्कैन कर लेना है, तो आपका सैटेलाइट स्कैन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टार सर्च का भी बटन देखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सैटेलाइट लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर ओके करेंगे और ब्लू बटन नीचे आप देखेंगे तो आपको कई बटन नज़र आएंगे, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। तो जिस बटन पर सर्च लिखा है तो उसी बटन को प्रेस कर दीजिए रिमोट से। यहाँ पर मेरे केस में ब्लू बटन सर्च का ऑप्शन है तो ब्लू बटन प्रेस करेंगे तो भी वही विंडो आ जाएगी जैसा कि हमने पहले दिखाई। तो इसमें आपको करना क्या है, मोड रखिए ब्लाइंड और FTA यस कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्री टू एयर चैनल्स हैं वो सर्च में हो जाएं, और TV रेडियो ऑल कर दीजिए। यहाँ सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी चैनल्स हैं वो सर्चिंग लिस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए चैनल लिस्ट को एक बार सर्च होने देते हैं। तो यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और अपने चैनल लिस्ट को आप स्कैन करने के बाद ओके का बटन प्रेस करके सेव कर पाएंगे। तो अब चैनल सेव हो चुके हैं। चैनल लिस्ट में आपको 200 चैनल्स मिले हैं। आप एग्जिट का बटन प्रेस करके बैक जा सकते हैं, और यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी चैनल आपकी चैनल लिस्ट में आ गए। तो चैनल लिस्ट को इस प्रकार आप अपडेट कर सकते हैं, सभी चैनल्स आपकी चैनल लिस्ट में अपडेट हो जाएंगे। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई समस्या है आपको तो हमें नीचे कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी समस्याएँ दूर कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।